आप सुन रहे हैं वो क्या था, अ कलेक्शन ऑफ सम हॉरर स्टोरीज जो आपको सोचने में मजबूर कर दे उस अजीबो गरीब दुनिया के बारे में जो हर किसी के मन में कई सारे सवाल कई सारे प्रश्न उठाती है, द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। तो क्या आप भी मानते हैं कि कुछ ऐसा होता है? वेल, आज की कहानी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। करीबन एक साल पुरानी बात है, सृष्टि एक पार्टी से लेट घर आ रही थी। बिल्डिंग की लिफ्ट खराब होने की वजह से उसे सीढ़ियों से अपने 7th फ्लोर तक पैदल चढ़ना पड़ा। रात के करीबन 1 बज रहे थे, इसलिए पूरी बिल्डिंग में सृष्टि की हील्स की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एकदम सन्नाटा था। जैसे ही वो 4th फ्लोर पे पहुंची, अचानक से उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। कोई बच्चा रात को 1 बजे मानो जैसे बॉल से खेल रहा हो। पर इससे पहले वो कुछ और सोचती, सृष्टि के पास उस बच्चे की बॉल टप्पा खाती हुई पैरों के पास आके रुक गई। जैसे ही उसने बॉल उठाई, उस बच्चे की आवाज भी आना बंद हो गई। जब वो 5th फ्लोर पे पहुंची तो उसे वहां बंद दरवाजों के अलावा और कुछ नहीं दिखा। फ्लोर पे ना कोई बच्चा था ना कोई बड़ा, सिर्फ बंद दरवाजे थे। उसने ढूंढने की कोशिश करी, आवाज भी लगाई, पर रात को इस तरह आवाज देना भी उसने ठीक नहीं समझा। और वैसे भी कोई फायदा नहीं था, ना वहां पे कोई बच्चा था ना वहां पे कोई आवाज थी। एकदम सन्नाटा था, एक अजीब सा सन्नाटा। उसने बॉल अपने पास रख ली, सोचा उसे वो कल गार्ड को दे देगी और वो बच्चा इसे ले जाएगा। अब सृष्टि घर पे थी। उसने बॉल साइड टेबल पे जैसे ही रखी, वैसे ही घर की डोरबेल बजी। रात के 1:30 बजे घंटी सुन के सृष्टि को थोड़ा सा डर लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा था। उसने कहा, आंटी शायद मेरी बॉल आपके पास है। बच्चे ने एक बड़ी रूखी तरीके से बोला, जैसे उसके कोई भाव ही ना हो। सृष्टि ने उसे बॉल देते हुए कहा, तुम इतनी रात को क्यों खेल रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने सृष्टि को एक स्माइल दी और बॉल को नीचे टप्पा देते देते आगे बढ़ने लगा। सृष्टि उस बच्चे को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, सृष्टि ने पीछे से बोला, बेटा ये लिफ्ट खराब है। बच्चे ने सृष्टि की बात अनसुनी करी और वो लिफ्ट में चला गया। अगली सुबह जब सृष्टि ऑफिस के लिए निकली तो उसने देखा लिफ्ट फिर खराब। उसने 7th फ्लोर नीचे उतर के गार्ड से पूछा, भैया ये लिफ्ट कल रात को सही हो गई थी, अब फिर खराब हो गई। गार्ड ने बोला, मैडम लिफ्ट तो 2 दिन से खराब है। सृष्टि ने बोला, पर मैंने तो उसे ठीक देखा था, कल रात को ही वो बच्चा। इसके बाद सृष्टि ने जो सुना उसके बाद वो लिफ्ट से या सीढ़ियों से कभी अकेले घर नहीं गई। गार्ड ने बोला, मैडम आप तो शायद 2 दिन बाद घर आ रहे हो, लगता है आपको पता नहीं वो 5th फ्लोर वाले शर्मा जी का 4 साल का लड़का था ना, उसकी बालकनी से बॉल गिर गई। वो बिन बताए लिफ्ट में उसे लेने चला गया, तभी लाइट चली गई और वो बेचारा डर के मारे इसी लिफ्ट में फंस के बेचारा बच नहीं पाया। सृष्टि के कानों में गार्ड की कही बातें उसके जीवन में एक प्रश्न छोड़ गई कि उससे 1 दिन पहले रात को उसके घर
जो बॉल लेने आया था, अगर वो बच्चा मर गया है तो उस रात वो क्या था?